मेरा ब्लड जो ग्रुप था वो मैच कर रहा था और मेरी सिस्टर का कर रहा था डोनेट करने के लिए। ठीक है, आई वॉज टोटली वॉलंटियर। उन्होंने मुझे दुआ दी कि तुम क्रिकेट में पहले मैच में सबसे ज़्यादा रन्स करोगे। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि मैं क्लास 9th में जब मुझे पता चला मेरी अपनी वालदा कौन सी, इसके पीछे जो एक स्ट्रगल है, पेन से गुजरता है जो स्पोर्ट्समैन, वो स्पोर्ट्समैन को ही पता। इंग्लैंड में आपका कोई इंटरव्यू का एक जो सीन था बड़ा पुराना, बड़ा वायरल, हाँ। वो क्या चक्कर था, जरा पूरी कहानी हमें सुनाए। और मुझे उसने फोन किया कि यार देखो तुम्हारी मैंने बातें रिकॉर्ड की हैं, अब तुम इतने पैसे ले लो और इन बातों को ऑन करो कि तुमने कहा है। बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से बोर्ड चल रहे हैं। इसमें कोई हकीकत है कि ऊपर से कॉलें आती हैं या कोई पर्चियां और सिफारिशें भी होती हैं, या सिलेक्शन कमेटी टोटली बाइख्तियार होती है कि जिसको भी सिलेक्ट करे और जिसको मर्जी रिफ्यूज कर दे? परफॉर्मर्स खेलते हैं नॉर्मली, ठीक है, जो लड़के कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं वो खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली नसीम नहीं गया तो उसका जो है ना वो डंट पड़ गया पाकिस्तान टीम की बॉलिंग को। हमारी जो टीम थी वो टीम भी थी और साथ में जुगत एकेडमी भी थी। अच्छा। लेकिन शाहिद भाई को मेरे बड़े वाकयात याद है कि लोग जो है ना वो क्रिकेटर्स से मोहब्बत करते हैं, स्पेशली इंडिया के जो मेजोरिटी जो है वो क्रिकेटर को बहुत प्यार करती है, स्पेशली पाकिस्तान की टीम। ट्वीट के रिप्लाई आए कि यार ये कोई हरकत है इन्होंने जो की है। वहाँ के जो इंडियंस हैं, एक दफ़ा मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात हुई थी बाब-ए-फतेह पे, यूथ क्लब है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बाबर बहुत क्वालिटी है, लेकिन बाबर वहां तक पहुंचते पहुंचते इसको टाइम लगेगा। और जब मैं किनारे पे पहुंचा तो मेरे शॉट्स नहीं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद। क्रिकेट का बड़ा बड़ा जोर चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान टीम इंडिया में मौजूद है, तो हमने सोचा कि क्रिकेट पे भी कोई प्रॉपर बेहतरीन सी पॉडकास्ट करनी चाहिए। और ज़ाहिर जब क्रिकेट की बात होती है तो आपकी हमेशा कोशिश होती है कि किसी ऐसे क्रिकेटर को बुलाएं जो प्रॉपर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हों, जो डिफरेंट चैनल पे अपना तज्जिया देते रहते हो, जिनके पास टीम में खेलने का भी अच्छा एक्सपीरियंस हो और उसके बाद तज्जिया कारी का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो। कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो खेलने में बहुत अच्छे हैं लेकिन वो तज्जिया अच्छा नहीं कर पाते, कुछ हैं जो तज्जिया में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके क्रिकेट कैरियर अच्छा नहीं है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनका तज्जिया भी बड़ा ज़बरदस्त है, आप इन्हें डिफरेंट स्क्रीन पर देखते रहते हैं, और इनका क्रिकेट कैरियर भी बड़ा ज़बरदस्त है। जब इन्होंने डेब्यू किया, डेब्यू में हाईएस्ट स्कोर किया पाकिस्तान की तरफ से, और डेब्यू मैच में 2 सेंचुरीज की, और रिकॉर्ड बनाया एक जो कि सिर्फ चंद और लोगों के पास ये रिकॉर्ड है, और हाईएस्ट पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इन्हीं का स्कोर है डेब्यू में। आप समझ गए, मेरे साथ मौजूद हैं यासिर हमीद भाई। यासिर भाई कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। यासिर भाई आपका शुक्रिया, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला, आप फैमिली के साथ हैं फिर भी आपके मोहब्बत के आप टाइम निकाल के आए। जी जी, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। यासिर भाई आपके कैरियर से ही शुरू करते हैं हम, फिर ऑफकोर्स हम आपसे वर्ल्ड कप पे भी, पाकिस्तान इंडिया के मामलात पे भी, इंडियन क्राउड ने जो जब रिजवान आउट होके जा रहे थे उनके साथ जो मामला, और भी हम काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके करियर पे आते हैं कि आपने जो डेब्यू में 170 स्कोर किया माशाल्लाह, उसकी ज़रा मेरे को स्टोरी सुनाएं, को बताएं कि आप वो कोई आपने कोई प्रॉपर प्लान किया था, आपको कोई उम्मीद थी ये हो जाएगा या बस तुक्के से हो गया? हाँ नहीं, देखें तुक्के से तो कोई चीज़ बहुत कम होती हैं चीज़ें, बट ये है कि एक प्रोसेस होता है हर स्पोर्ट्समैन का, तो मैं भी एक प्रोसेस से गुजर के उस डेब्यू तक पहुँचा। मतलब उससे पहले एक पूरा एक स्ट्रगल थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। उसके बाद डिफरेंट जो टूर्नामेंट्स थे उसमें परफॉर्मेंसेस की, टॉप किए, कायद आज़म ट्रॉफ़ी टॉप की, एक दफ़ा वनडे कप टॉप किया, PIA से मैं खेला हूँ 10 ईयर्स, और अपने डेब्यू से पहले मैं 3 साल में PIA से खेला हूँ, उधर से मैंने रन्स किए। तो फिर करते 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 डेब्यू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा यादगार डेब्यू था और मैं समझता हूँ कि ड्रीम डेब्यू जिसे। उसके पीछे एक कहानी है जो आपने हमें ऑफ द रिकॉर्ड सुनाई है, मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो किसकी दुआ थी और क्या वो सीन था, ताकि हमारे नौजवान नस्ल को अंदाज़ा हो कि दुआएँ कैसे ली जाती हैं, कैसे काम होते हैं। जी बिल्कुल, देखें ब्लेसिंग्स के बगैर जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना जो है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके साथ जब ब्लेसिंग्स होती हैं, दुआएं होती हैं, तो आप ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, हर्डल्स भी आते हैं, लेकिन ना फिर आप उन ब्लॉकेजेस को क्रॉस करते जाते हैं। तो वो यही था कि यार मेरे जो फादर थे वो उनको क्रिकेट का बेसिकली बहुत शौक़ था और उन्होंने शुरू से हमें इनकरेज किया है स्पोर्ट्स में। थोड़ी अर्ली उनकी डेथ हुई है, 54 ईयर्स ऑफ एज थे, और लेकिन बहुत उन्होंने बड़े शौक से हमें इनकरेज किया क्रिकेट के बारे में। पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा कहते थे, लेकिन क्रिकेट में कभी उन्होंने रोका नहीं, इनकरेज ही किया था। तो खैर मैं उनको वो जब आखिरी टाइम, आपको पता है हम लोग के कल्चर में है कि वैसे भी अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, दबाना, खिदमत करना, उनको यू नो मसाज वगैरह जो भी है। तो उन दिनों में हम ज़रा ज़्यादा जो बच्चे थे ना उनके बहुत करीब आ गए थे। तो हाँ, उनके किडनी का प्रॉब्लम था। अच्छा। मेरा ब्लड जो ग्रुप था वो मैच कर रहा था उनसे, और मेरी सिस्टर का कर रहा था। हम दोनों के ब्लड ग्रुप उनसे मैच कर रहे थे। हम दोनों ने वॉलंटियर हो गए कि यार क्योंकि हमारा डोनेट कर दें किडनी। ठीक है। आई वॉज टोटली वॉलंटियर, मैं नमाज में दुआएं करता था। और क्योंकि हमारे फादर बड़े यंग थे एक तो, और फादर ने बड़ी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में और हम लोगों को पढ़ाया। और अब जितने भी मेरे बड़े भाई बड़ी बहन वो सारे उन्होंने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स पास किए, उसके बाद कंपटीशनर बने, जज बने। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो एजुकेशन में काफ़ी हाई गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा शौक था हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो उस वक्त जो था, फिर मैं वॉलंटियर हो गया। आई वॉज लाइक 19 और आई वॉज टोटली वॉलंटियर। मेरी सिस्टर भी वॉलंटियर, लेकिन उन्होंने हमारा गुर्दा नहीं लिया, उन्होंने नहीं लिया और उनकी फिर डेथ हो गई। और बस ये है कि हम लोगों ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि हम हर तरफ से कोशिश करें, लेकिन उस वक्त थोड़े से वो टाइम थोड़ा 98 की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा पुराना टाइम था और बड़ा मुश्किलात थी। आपको पता है कि इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, डायलिसिस के इतने वो भी नहीं थे। खैर लाहौर तक गए, मुल्तान तक गए कि यार कोई मिल जाए, टिश्यूज़ का होता है बड़ा। तो खैर मैं उनको दबा रहा था। तो उन दिनों में ना वो मुझसे इतने राज़ी थे ना उस टाइम पे, उन्होंने मुझे दुआ दी कि तुम क्रिकेट में पहले मैच में सबसे ज़्यादा रन्स करोगे। मुझे तो खैर मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, डेब्यू का भी कुछ नहीं पता था। नहीं, उस वक्त तक मैं फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला। 2003 में आपका डेब्यू हुआ ना, ये 4 साल 5 साल बाद, मेरे 4 साल बाद हुआ डेब्यू। और वो जो था वो फिर जब मैंने डेब्यू किया और जब मैंने रन्स किए, मुझे पता चला मैंने रिकॉर्ड कर दिया 170 किए। वो रिकॉर्ड था जावेद मियांदाद जिनकी कोचिंग में मैं खेला था, तो उनकी कोचिंग में मैंने ये किया था, वो उनका रिकॉर्ड था। तो अभी तक है वो रिकॉर्ड। मैं हैरान हूँ यार, ये होती है वालिदैन की दुआएं, कहती है अर्श को क्रॉस कर देते। बिल्कुल। तो ये है, तो मेरा यही मेरा ये तो मैं मैसेज देता हूँ सारे अपने यूथ को, यंगस्टर्स को, कि अपने वालिद और वालदा की दुआएं लो, और सच्ची दुआएं, यानी कि वो दूसरी वाली दुआएं नहीं, सही वाली। मेरी वालदा कहती होती है कि दुआ वो होती है कि जो दिल से निकले। बिल्कुल, दुआ ली जाती है किरदार से, कह के दुआ करवाई नहीं जाती। हाँ। आपका अमल ऐसा हो, काम ऐसा हो। यासिर भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद आपका डेब्यू हो गया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका रहा। इमरान फरद के साथ आपकी बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी रही, बड़े आपकी रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप्स रही। और जैसे मैंने आपको बताया, इमरान हमारे हमसाए हैं। इमरान फरद पंजाबी यूनिवर्सिटी में, इमरान के वालिद भी जॉब करते थे, मेरे वालिद भी अभी करते हैं, तो हम एक ही मोहल्ले में रहे। बल्कि इमरान और हमायूं दोनों ने कुरान पाक भी मेरे अब्बू के पास पढ़ा, और दोनों के निकाह भी मेरे अब्बा जी ने पढ़ा। अच्छा, माशाल्लाह। उनकी शादी में शरीक थे। वेरी नाइस। अच्छा, ये मैं पहले निकाह की बात कर रहा हूँ, इमरान भाई। इमरान की भी जो निकाह है। तो अच्छा, आपकी एक ही शादी? जी जी। अच्छा, पठानों में भी आमतौर पे होता है कि 2-2 3-3, तो आपने नहीं ऐसा सोचा? भाई मेरी एक ही शादी है। नहीं, मेरे वालिद साहब ने 2 शादियां की थी। अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि मैं क्लास 9th में जब मुझे पता चला मेरी अपनी वालदा कौन सी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना इस तरीके से वो रह रहे थे कि आपको पता ही नहीं था? नहीं, बिल्कुल। हम लोग कंबाइंड हम रहे, और मेरे वालिद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम रखा हुआ था। वो जो यूनिटी थी ना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। तो मेरे ख्याल 2 भाई जो हैं वो अमेरिका में, 2 बड़े भाई जो हैं वो पेशावर में, मैं तो इधर उधर पे, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, अभी लाहौर में हूँ, इस्लामाबाद कराची। तो लेकिन मैंने अपनी रिहाइश आजकल मैंने इस्लामाबाद ही रखी। बच्चे कितने आपके? अभी तो मेरी तीसरी बेटी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 कहने वाला था क्योंकि काफ़ी अरसे मेरे 2 बच्चे रहे, तो अभी मेरी तीसरी बेटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और बच्चे अभी स्टडी में ही होंगे सारे, अभी तो छोटे होंगे? जी जी। बेटा है मेरा वो माशाल्लाह, ही इज़ इन O2 माशाल्लाह, और बेटी मेरी क्लास 7 में। बेटे को है शौक कोई क्रिकेट का, या आप उसे लेके चल रहे हैं साथ, या वो नहीं, बहुत शौक है उसे। अच्छा, उससे शौक भी है और वो थोड़ा सा गिफ्टेड भी है। अच्छा, गॉड गिफ्टेड है, उसमें टैलेंट है माशाल्लाह। और तो आप फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर, आपका प्लान है कि ये खेले? वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ये बहुत छोटा था उस वक्त तो नहीं था, लेकिन जब जो बड़ा हुआ तो फिर मैंने देखा इसमें ग्लिम्स थी, उसमें मतलब सारे उसमें हैं, तो फिर मैंने उसको डिस्करेज नहीं किया क्योंकि उसका अपना शौक है। और फिर मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं इसे डिस्करेज करूँगा, क्योंकि देखिए एक स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ है ना वो बड़ी हार्ड होती है। यूँ तो नज़र आता है कि यार आजकल हमारे स्टार्स हैं, बाबर आजम बल्ला उठा रहा है जी, हर मैच में रिजवान परफॉर्मेंस कर रहा है या कोई भी है वो परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन इनके पीछे इसके पीछे जो एक स्ट्रगल है और जो पेन से गुजरता है जो स्पोर्ट्समैन, वो स्पोर्ट्समैन को ही पता है। हाँ, ज़ाहिर है वो तो पब्लिक को नहीं पता होता। फिट रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी हार्ड फिट रहने के लिए यार बहुत देखें, बहुत ये आपको ना स्पोर्ट्स जो है ना ये आपको इट्स अ ग्रेट लेवलर, एक दिन आप इधर होते हैं दूसरे दिन आप इधर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर परफॉर्म किया तो स्टार, एक मैच में परफॉर्म किया तो आप स्टार हैं, आप अपने अंदर सेटिस्फाई हैं, दूसरे मैच में आप परफॉर्म नहीं करते तो आप जो है ना अपने नज़रों से खुद ही गिर जाएंगे। तो बड़ा ये बड़ा ग्रेट लेवलर है। तो वही बात है कि फिर आप जाहिर है आप जिन तकलीफ़ों से खुद गुजरते हैं, जिस सफरिंग से गुजरते हैं, आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि आपके बच्चे। बट मैंने उसका जो शौक़ देखा है, उसके अंदर जो पैशन देखा है, वो मुझे लगता है कि वो अगर ग्रिल हुआ सिस्टम में तो ही विल डू मे बी बेटर देन मी फॉर पाकिस्तान। चले अल्लाह करे जी, हम उनके परफॉर्मेंस देखें इंशाल्लाह, वो कॉमी टीम में आए खेलें। इंग्लैंड में आपका कोई इंटरव्यू का एक जो सीन था बड़ा पुराना, बड़ा वायरल, वो क्या चक्कर था? जरा पूरी कहानी हमें सुनाए। वो मेरा कमबैक था। हाँ, उसकी वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ है मेरे करियर। क्या था वो और कैसे हुआ, क्यों हुआ? यार वो एक्चुअली इस तरह था, वो पूरा सेटअप था, ठीक है, पूरे पाकिस्तान की जो टीम के जो था, जो भी था, आपको पता है कि पूरा एक सेटअप था, पूरा एक ग्रो था, वो काम कर रहा था, पूरा एक गैंग था। तो उनमें से हमें एक बंदा आके मिलता था, वो विद फैमिली आके पाकिस्तानी था। अच्छा, वो नॉटिंगम में था कहीं, वो उसने बेसिकली वो आके हमसे मिलता रहा है, उसने कहीं मुझे ना पैसे लेके उन लोगों से मिलवाया था। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। और मुझे ये कहा था कि यार ये कोई एजेंट है, ये प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो आई वॉज आई थिंक गोइंग फ्रॉम लंडन टू मानचेस्टर, और इन बिटवीन तो कह रहा था कि यार आप मानचेस्टर जा रहे हैं तो यार रास्ते में मिल लीजिएगा। ठीक है यार, एक बंदा आपके लिए घर से खाने लेके आता है, आपका एक ताल्लुक है, आपका एक ट्रस्ट लेवल बन जाता है ना, जाहिर आप एक कंट्री के हो। मैं कहा ठीक है मिल लूंगा। जब मैं उससे मिला, उसने यहाँ पे कोई कैमरा वैमरा लगाया हुआ था। अच्छा, तो वो कैमरा जो था मुझे नहीं पता यार, वो तो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में उस वक्त होता था कैमरा लगाओ, ठीक है। तो ये 2010 की बात कर रहा हूँ। मुझे क्या पता यार ये अंडर वो कर रहा है जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो खैर एनीवे उसने मुझसे वैसे ही पूछा यार ये क्या हुआ। तो उन दिनों में वो नया ब्रेक हुआ था, वो पूरा जो मैच फिक्सिंग का जो हुआ था सारा कुछ, सलमान बट आमिर और आसिफ वगैरह। मैंने कहा यार बड़ा गलत हुआ, नहीं करना चाहिए ये वो, इस तरह की बातें जो नॉर्मल। वो उसने ना वो रिकॉर्ड करके, और मुझे उसने फ़ोन किया कि यार देखो तुम्हारी मैंने बातें रिकॉर्ड की हैं, अब तुम इतने पैसे ले लो और इन बातों को ऑन करो कि तुमने कहा है। मैंने कहा यार बहुत आला भाई, ज़बरदस्त, क्या बात है तुम्हारी। एक दो तुम मुझसे मिले हो, चलो एक रेफरेंस से मुझसे मिले हो, ठीक है, फिर मुझसे तुमने बात की है और मैंने तुम्हें बड़ा गोल मोल करके जवाब दिया है, ठीक है, कोई मैंने प्रिसाइजली कोई बात नहीं की। मैंने जो अखबार में पढ़ा था वो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम पूछ रहे थे, मैंने जो अखबार में पढ़ा था वो मैंने तुम्हें बता दिया कोई चीज़ अखबार में, ठीक है ठीक है। और उसने ना मुझे ये कह दिया। अब क्योंकि मैं तो पाकिस्तान टीम का मेम्बर था, मैं टेस्ट मैचेस खेला था, तो ये तो एक स्टेटमेंट बन गई ना कि यार अगर मैं कहता हाँ यार चलो दे दो इतने पैसे, तो मैं कह देता हूँ। मैंने कहा यार अब लानत है मैं ऐसे पैसों पर कि मैं एक चीज़ ऑन ही नहीं करता, क्योंकि यार ये कौन सी एथिक्स है कि आप किसी से बात करें अनइंटेंशनली, बंदा कुछ भी बोल रहा है यार, चले आपस में बैठ के। जाहिर है अब आप और मैं अगर भाई हैं सपोज, ठीक है, तो कहीं हम बैठे होंगे तो दूसरे कमरे में बैठे होंगे तो यार हम आपस में बात नहीं करते, यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं, इसे समझाओ। बिल्कुल वैसे आपने कहा यार ये देखो यार छोटू क्या कर रहे हैं यार, हाँ यार इसे समझाओ, या ये क्या हुआ, इस तरह अक्सर जिस तरह गॉसिप्स होती हैं तो वो चीज़ थी। तो उसने जी उठा के ना वो हेडलाइंस दे दी, इधर उधर बेच दिया अपना खूब, उसने मंजन बेच दिया इधर। मुझे जो है आपका करियर ऑब्वियसली, अब मैं वापस आके मैंने बोर्ड के सामने बैठ के मैंने बताया कि सर ये चीज़ हुई है, अनइंटेंशनल थी, इंटेंशनल नहीं थी, मेरी कोई मैला फायदी नहीं है इसमें, मैंने कोई उसको बुलाया नहीं है कि हाँ मेरा इंटरव्यू ले, मुझे पैसे दे, या मेरे पास कुछ है। वो जनरल एक बहुत बात थी। अब अंडरस्टैंड करने की बात है ना यार, आप और मैं बैठे हैं, मुझे पता है मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कैमरास लगे हैं, ठीक है, उधर भी लगा इधर भी लगा। अब आप और मैं जब कमरे में बैठे थे अंदर, वहां कोई हिडन, वहां पे आपने कोई कैमरा लगा के और कोई ऐसी चीज कर दी, तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना, या हमने कोई चले ऐसी कोई बात की भी नहीं है, बट इसमें मेरा कोई कसूर। और ये तो वैसे भी बहुत अनएथिकल है, और वाकई बंदा ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी बोल जाता है। और आपने तो बातें वही की थी जो, और उस वक्त पता है क्या, मैं आपको बताऊं, अगर आई वॉज विक्टिम, ठीक है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया था, आई वॉज काइंड ऑफ विक्टिम। अल्लाह पाक जन्नत बख्शे। अब वो हमारे जो चेयरमैन थे एजाज भट्ट साहब, जी जी, ही वाज चेयरमैन, उस वक्त उन्होंने मुझे बड़ा, उस टाइम पे लंदन में ही सपोर्टेड मी। मैंने कहा यार तुम्हारे तो ये हम सू करेंगे इन पे, इन्होंने किस तरह किया है, मतलब हमारे प्लेयर को इस तरह किया है, ये किया वो किया। तो आई वॉज लाइक बिल्कुल, मतलब जाहिर है बड़े थे हमारे, फादर फिगर थे, आपको कोई बड़ा इस तरह की बात करे तो आपका दिल बड़ा हो जाता है यार, चलो यार कोई सपोर्ट तो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है प्लेयर के साथ, हमारे प्लेयर के साथ इस तरह हुआ है, तो आप जो है मुझे मेरा। लेकिन वापस आप वो भूल गए, अपने कामों में पड़ गए। मुझे उल्टा बुला के कमेटी बिठा के मुझे वो कर दिया उन्होंने, जुर्माना और एक टूर्नामेंट बैन। खैर मुझे वापस ले आए, बट मुझ पर एक टैग लगा दिया कि यार इसने ये किया था और ये किया था। दैट वाज माय पीक, आई वाज 30 इयर्स ऑफ एज। हाँ 30-31 के बाद फिर दोबारा टीम में नहीं, मुझे टीम में डिस्कार्ड कर दिया। 40 की एवरेज मेरी, क्यों जी नहीं जी इसने इंटरव्यू दे दिया था। मतलब जब आपको खिलाना होता है ना तो आपको खिलाते हैं, जब नहीं खिलाना होता तो इस तरह के बहाने करते हैं, बहाना निकल आता है। हाँ तो ये चीज़ जो है ना मुझे थोड़ी सी बहुत, मेरे लिए तकलीफ देती बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को मैंने बहुत सफ़र किया है, क्यों कि मैंने मेरी नीयत ऐसी नहीं है कि मैं कोई उल्टी चीज़ स्पेशली फाइनेंशियली मैं कुछ सोचूं या करूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह किया है कभी। तो मुझे इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा अंदर से ना बहुत मुझे इस चीज़ ने हर्ट किया, बट लाइफ गोज ऑन। मेरा इन चीज़ों पे बिलीव है ही नहीं, सिलसिला चलता रहता है, अल्लाह का निज़ाम चलता रहता है। तो उस वक्त फिर मेरे लॉयर थे उमर ख़याम, वो ही वॉज वेरी यंग वेरी एनर्जेटिक। उसने मुझे किसी रेफरेंस से मुझे अप्रोच किया, मुझसे बात की, उसने मुझे कहा यार मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, ठीक है, वी रजिस्टर कंप्लेंट इन ब्रिटिश कंप्लेंट कमीशन, ठीक है। फिर उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की, फिर वो केस जीते उनसे, और हम फैसला हमारे हक में आया। उन्होंने न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को लिखा कि ये आपने बहुत गलत हरकत की है और अपनी वेबसाइट से हटाओ। अच्छा जी, फाइनली वो केस आप जीत, फाइनली वो केस मैं जीत गया वहाँ पे। और दैट वाज द टाइम न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड पे सू होता था। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, तकरीबन 1-2 लाख 1.5 लाख पाउंड का काम था, और ठीक ठाक तगड़ा सू होता था। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस गुजर गया। हाँ अल्लाह ताला कोई ना कोई उसका अल्टरनेट दे देते आपको। अच्छा अब इससे थोड़ा सा आगे आते हैं, फिर उसके बाद आपने कोचिंग की तरफ अपना करियर शुरू किया, बल्कि लास्ट अभी 2017-18 तक आपका माशाल्लाह हाईएस्ट स्कोर था जो इधर डोमेस्टिक में आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। मैं वो भी आपके स्टैट्स देख रहा था। हाँ। तो अभी आपका क्या मेन जो है वो, एक तो आप एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पे बात करते हैं माशाल्लाह, दूसरा आपका कोचिंग का भी साथ कोई सिलसिला चल रहा है? कोचिंग का मैंने लेवल 2 किया हुआ है PCB से, और आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर PCB कोचिंग के लिए, कोई भी टीम हो। ऑब्वियसली आपने 20 साल खेला ग्राउंड में तो एक एक्सपीरियंस होता है जिसे आप कैरी करते हैं। और मैंने कई दफ़ा PCB को बोला हुआ है कि अगर आपको कोचिंग में मेरी ज़रूरत हुई तो आई एम देयर, ठीक है। ज़ाहिर है अब अंडर 16 का तो कोच बनाएंगे नहीं, अगर 225 मैचेस खेले फर्स्ट क्लास तो ज़ाहिर है फर्स्ट क्लास का ही कोच बनाएंगे ना, ठीक है। अगर ये बात अगर मैं किसी PCB के ऑफिशियल से मैंने की थी, यार नहीं स्क्रैच से स्टार्ट करो, भाई मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करने में भी कोई अफसोस नहीं है ना प्रॉब्लम है, लेकिन आप मेरे इस एक्सपीरियंस का क्या अचार डालेंगे? ठीक है। हमारे यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग ऑन जॉब काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ठीक है ना, प्लेयर्स एसोसिएशन है कि प्लेयर्स किधर जाएं अपने प्रॉब्लम्स को लेके, ठीक है। बहुत से प्लेयर्स के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो इस बोर्ड को चला रहे हैं। जिस तरह हमारा मुल्क चल रहा है ना, कुछ अच्छे लोगों की वजह से, ठीक है। इस तरह बोर्ड में अगर ये कहूँ मैं कि नहीं यार बोर्ड हमारा बड़ा ये है वो है, तो ये थोड़ा सा गलत बयानी होगी। बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से बोर्ड चल रहा है, जिनकी हम हमेशा इज्जत करते हैं, अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं, कभी भी मिलते हैं। कुछ लोग वो अपने इंटरेस्ट, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट, जो भी अपने एंगल्स यूज करते हैं उसको आगे रखते हैं, डिक्टेट करते हैं टर्म्स, ठीक है। कोई भी नए लोग आते हैं उनको चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो जिस तरह है बोर्ड में वो भी हमें पता है, ठीक है, सारा कुछ पता है। ये नहीं है कि हमें कोई अक्ल नहीं है, एक्सपीरियंस है, कोई दिमाग नहीं दिया, गुजारे हैं तो आइडिया हो जाता है चीज़ों का। यासिर भाई, आप सिलेक्शन कमेटी में भी रहे, तो सिलेक्शन का प्रोसेस कौमी टीम का क्या होता है? कोई इसमें कोई हकीकत है कि ऊपर से कॉलें आती हैं या कोई पर्चियाँ और सिफारिशें भी होती हैं, या सिलेक्शन कमेटी टोटली जो है वो बाइख्तियार होती है कि जिसको भी सेलेक्ट करे और जिसको मर्जी रिफ्यूज़ कर दे? और इसी से आगे पर रिलेट के जो प्लेइंग 11 होता है उसमें सिलेक्शन कमेटी का कितना रोल होता है, कोच का कितना होता है, कैप्टन का कितना होता है और पर्चियों का कितना होता है? देखिए, जो पर्ची वाली बात है ना, ये तो समझें कि ये है ही नहीं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पर्ची तो ये फारग बात है, ठीक है। लड़का वही खेलता है जो सिस्टम में होता है, जो परफॉर्मेंस कर रहा होता है, जो अपना जो शो करता है इसमें पोटेंशियल होता है, ठीक है, ठीक है, वही लड़के खेलते हैं, ठीक है। परफॉर्मर्स खेलते हैं नॉर्मली, ठीक है, जो लड़के कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं वो खेलते हैं, ठीक है। किसी को जल्दी चांस मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, ठीक है, ठीक है। अभी सपोज दो प्लेयर्स हैं, मैं मिसाल देता हूँ, साइम अयूब और एक लड़का है हुरैरा, ठीक है, दोनों एक लेवल के परफॉर्मर है, ठीक है। साइम अयूब को अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है, क्योंकि ही इज अ लेफ्ट हैंडर, ठीक है। हुरैरा की अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिली। यही सेम केस मेरे साथ भी था। मैंने 2000 व्हेन आई वाज 20 इयर्स ऑफ एज मैंने सीजन टॉप किया, मैं 3 सेंचुरीज की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जी 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 बिल्कुल, अगेंस्ट हबीब बैंक, अगेंस्ट केआरएल और अगेंस्ट पाकिस्तान रिजर्व, और चौथा मैच सरगोदा में था, मुझे याद नहीं किसके साथ था, उसके अगेंस्ट मैंने 98 किए थे, मतलब मेरी 4 इनिंग्स थी और लंबे 100 किए थे, 140 150 ग्रीन विकेट्स पे। उस वक्त बॉल्स भी होते थे ग्रेस के बॉल्स थे, और लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, 2001 मैंने पूरा सीज़न में रन ही रन किए, 2002 में मैंने दोबारा टॉप किया तो मुझे फिर चांस मिला 2003 में। तो ये है कि अपने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, वक्त ज़रूर आता है हर प्लेयर का, ठीक है ना। एक टाइम है, मुकर्रर है, जब आपको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी हुई आपको ज़रूर इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन जब आपके अपॉर्चुनिटी आए फिर डोंट लेट इट गो, फिर आप परफॉर्म, फिर आपने इसको एक्सटेंड करना है। चांसेस मिलते हैं आपको लाइफ में। प्लेइंग 11 में किसका रोल होता है? जो सिलेक्शन कमेटी है उसका भी कोई होता है, कोच का जो है वो टोटल कैप्टन पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसको 15 लोग मिले, वो कौन से 11 को खिलाएगा? देखिए, ज़्यादातर तो कैप्टन का होता है, ठीक है, ठीक है। अब कैप्टन भी डिपेंड करता है कि कैप्टन कैसा है, कैप्टन स्ट्रॉन्ग है, कैप्टन अपनी टर्म्स डिक्टेट करता है, और फिर साथ में परफॉर्मेंस भी होती है, जो वो मांग रहा है प्लेयर वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो तो फिर कैप्टन का ही चलता है। लेकिन मेरे ख्याल से मशावरत से ही होता है सारा कुछ, ठीक है, और मशावरत में ही बरकत है। ज़्यादा अगर आप अपनी डिक्टेट करेंगे टर्म्स तो वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार ये कब घिरेगा, कब इससे परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो फिर हम इससे पूछेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि यार आप लोगों से मशवरे, अपने बड़ों से जिसमें आपका ट्रस्ट है, आप उन लोगों के साथ उनसे पूछ के, बड़ों से पूछ के चले तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें यह है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा डिसीजन हो भी जाता है तो आपको फिर एक मार्जिन ऑफ, वो कहते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, क्योंकि अगर आप करना चाहते हो कप्तानी तो फिर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। अभी जो हमारी टीम गई हुई है उसकी जो प्लेइंग 11 से आप मुतमिन हैं, या आपको लगता है कि कोई लड़का ऐसा है जो जिसको चांस देना चाहिए, हर मैच में खिलाना चाहिए, या आप कहते हैं नहीं ठीक है जो प्लेइंग 11 है, 1-2 तब्दीलियों के साथ फखर को बिठा के अब्दुल्ला को खिला लिया, आर यू सेटिस्फाइड? आई थिंक बेस्ट हमारी जो मेरे ख्याल से बिल्कुल जो बेस्ट अवेलेबल थे गए, ठीक है, और ये वही मैं आपको बात बताऊं जिसका कुर्रा निकला है। ठीक है ना, कोई इतनी अंधेर नगरी नहीं चल रही, आपको सीरियसली बता रहा हूँ। चीज़ें मेरिट पे हो रही हैं, मेरिट पे हो रही हैं तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर मेरिट पे ना होती, ठीक है, तो इस वक्त टीम का हाल बहुत बुरा होना था। दूसरी बात यह कि इस वक्त टीम अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे लड़के हैं, जो जिस तरह रिजवान हो गया, अब्दुल्ला बाबर हो गया, ठीक है, सीनियर्स की मैं बात करूँ, शाहीन हो गया, शादाब हो गया, ये लड़के बड़े फर्म लड़के हैं, बड़े इनकी जो बिलीव्स अच्छे हैं, इनकी यूनिटी अच्छी है, ये आपस में कोई पॉलिटिक्स इनकी नहीं है। इस तरह में पास में देखा है जो प्लेयर्स की लॉबीज होती थी, ठीक है, वो वाली चीज़ इनमें नहीं है। ये एक ही उसके नीचे घेर रहे हैं तो तभी रिजल्ट्स पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। नसीम शाह को आप कितना मिस कर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर? आपको लगता है कि उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, हसन उसकी जगह पे सही खेल रहा है और बाकी बॉलर्स भी हैं हमारे पास तो ठीक है, या अगर नसीम होता तो शायद हम कुछ बेहतर कर पाते? देखिए, उसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, कुछ इम्पैक्ट बॉलर है वो, ठीक है। हसन इज़ डूइंग वेरी गुड, अगर देखा जाए ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन एक वो बन जाता है, यू नो, रिदम बन जाता है, एक माहौल बन जाता है, ठीक है, एक कम्बिनेशन बन जाता है। द राइट वर्ड इज़ कम्बिनेशन। तो शाहीन, नसीम एंड देन हारिस, ये एक कम्बिनेशन बन गया था 2-3-4 सीरीज से। तो ऑल ऑफ अ सडन ये एक आउट ऑफ ब्लू जो है, ये एक चीज़ हो गई। अनफॉर्चुनेटली नसीम नहीं गया तो उसका जो है ना वो डंट पड़ गया पाकिस्तान टीम की बॉलिंग को, क्योंकि वो आपका पार्टनर भी इस चीज़ से बहुत ज्यादा इसका असर अंदाज। बिल्कुल, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, अब हम आपस में बात कर रहे हैं तो अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कन्वर्सेशन ज्यादा बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल, इसी तरह बॉलिंग में भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक बॉलर अच्छी बॉल करता है तो दूसरा बॉलर वहां से अच्छी बॉल करता है तो इसका दिल ज्यादा लंबा बड़ा हो जाता है। अगर मैं आप यहाँ से वहां से अच्छी बॉल करके यहाँ से मैं माटी बॉलिंग करूंगा तो आप कभी ना आप नेक्स्ट ओवर में थोड़ा ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से शाहीन और हारिस के साथ ये थोड़ी चीज हो रही है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी ये चीज़ ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि हसन इज़ डूइंग गुड जॉब। आपने जितने साल खेला टीम के अंदर, सबसे ज़्यादा दोस्ती आपकी किसके साथ थी? देखिए, दोस्ती ड्रेसिंग रूम में जिसके साथ बंदा बहुत ज़्यादा एंजॉय करता होता है, हंसी मजाक जिसके साथ, जुगते शुगते कह लें, जिसके साथ बड़ा शुगल होता है ज़रा, वो कौन था? देखिए, जुगते तो हमारे ज़माने में तो एक पूरा एक वो होता था ना, जुगतों का एक पूरा बाजार होता था। हमारी जो टीम थी वो टीम भी थी और साथ में जुगत एकेडमी भी थी। अच्छा। तो उसमें यूसुफ भाई बड़े मज़े की जुगते मीठी मारते थे। शुएब मलिक बड़ा ज़बरदस्त जुगत मारता था। फिर बाद में राना आया, वो जुगती हो गया था, राना नवीद। अच्छा, सियालकोट के जितने लड़के होते थे, अच्छा, वो सारे बड़े जबरदस्त जुगती होते थे। फैसलाबाद के तो फिर वो टैलेंट, नेचुरल टैलेंट वो तो है ही है, ठीक है, और वो तो पता ही जुगत ना मारे तो समझते क्योंकि काम है जो नहीं हुआ, जिस तरह रोटी नहीं खाई इस तरह जुगत नहीं मारी। तो मेरे ख्याल से जुगतों को तो एट टाइम बड़ा एंजॉय भी करते थे, तो कभी मैं इनसे बड़ा इरिटेट भी हो जाता था ज्यादा जुगतों से, यार बस कर दो क्या। तो वो ना मेरी छेड़ फिर हो गई, फिर मेरे सामने ज्यादा जुगते मारते हैं, जाहिर है जो बंदा तंग पड़ता है उसको तंग पड़ता है। फिर मैं ये अभी सोचता हूँ, यार मैं क्यों इस तरह करता था, मुझे नहीं करना चाहिए, उसको एंजॉय करता। और भी शरारती सबसे ज्यादा कौन था टीम के अंदर? शरारती काम होता था, हर वक्त कोई ना कोई शरारत किए रखे, कभी इसको तंग, कभी उसको तंग, कभी कोई डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी, कोई ना कोई मस्ती। देखिए, उस तरह शरारत तो ऐसी कोई शरारत नहीं होती थी, लेकिन तो जो क्यूट शरारतें थी। शुएब भाई जो है, शोएब अख्तर, बड़े मज़े की शरारतें कर जाते थे कभी कभी, और उनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट की है, बड़े मज़े किया। हाँ, वो तो वो और यूसुफ भाई बड़े शरारती थे, और ये बाकी जो मैंने जितने भी आपको नाम लिए सारे जो हैं बड़े शरारती थे। और अफरीदी भाई, शाहिद भाई भी बड़े शरारते, वो बड़ी ज़बरदस्त करते थे, बड़े जिस तरह की वो उनकी बॉलिंग में एग्रेशन होता है, इस तरह उनकी शरारतों में भी बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, हाँ, बड़ी अच्छी शरारतें होती थी उनकी, नेक्स्ट लेवल की। कोई वाकया आपको याद है, कोई यादगार ड्रेसिंग रूम का या होटल का, कोई अनोखा वाकया जो आपको हो यार? ये यार अनोखे वाकये तो बहुत है, लेकिन वो मुझे अपने ही याद है, दूसरों के नहीं याद। ये तो और अच्छी बात है, फिर आप अपने वाकयात सुनाए ना। हाँ, नहीं, बहुत से वाकयात हैं। चले अपना ही सुना देता हूँ। तो वाक़े हैं, वाक़यात बहुत है। सिर्फ मेरा और कामरान का एक वाक़या है। अच्छा, उनके साथ भी मैंने किया पॉडकास्ट किया। अच्छा, तो हम लोग वेस्ट इंडीज़ में थे और वहाँ पे हम टेस्ट सीरीज़ खेलने गए थे, पूरी सीरीज़ खेलने गए थे। तो वहाँ पे इस तरह हुआ कि हम लोग जेट्स की, मैं और कामरान निकले समंदर में, लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। तो थोड़ा सा आगे जाके ना, तो कामरान चला रहा था, मैंने कहा यार कामी यहाँ पे रोक, मैं चलाता हूँ। अच्छा, आप एक पे ही थे दोनों? एक पे ही थे दोनों। ठीक है, उसने कहा अच्छा ठीक है। तो जैसे ही वो उतरे और मैं भी उतरूँ, तो वो जेट्स की जो है ना उल्टी हो जाती है। अच्छा, तो उल्टी हो गई, तो उसको सीधा करते करते टाइम लगता है फिर, क्योंकि थोड़ा सा पैनिक भी हो जाता है बंदा, यार ये क्या है। तो खैर वो जब सीधी हुई तो मैं बैठा और मैंने स्टार्ट करके निकल गया। अच्छा, वो पीछे रह गया। वो अभी तक मुझे याद करता है वो। फिर जब वापस आया तो कोई लड़ाई शड़ाई नहीं? बस मैं वापस आया था, फिर नहीं, मैं वापस आगे से घूम के आ गया था। अच्छा। मैं उसे छोड़ के तो नहीं आया, लेकिन आगे से घूम के आ गया था। ठीक है। फिर मैंने उसे पिक किया, लेकिन वो आज तक उसे याद है। बड़ी चीज़ें हैं जो मतलब बड़ा मज़ा आता था। सलमान बट के साथ बड़े वाक़यात है वो। तो सलमान बट को तो जिस तरह लगता है मेरे पे पूरी किताब लिख लेगा। अच्छा, उफ, ये किया था, वो किया था। इवन यार शाहिद भाई, पता नहीं अब शाहिद भाई को मेरे वाक़यात याद हैं कि नहीं है, लेकिन शाहिद भाई को मेरे बड़े वाक़यात याद हैं। अच्छा, बड़ी बातें याद हैं, ये किया था, वो किया था। अब तो खैर भूल गए होंगे पुरानी बातें, बट बड़ा मज़ा है यार। बड़े बड़े सलमान बट के साथ क्या था, कोई एक अगर आपको याद हो? यार इसने एक वाक़या बनाया हुआ है। अच्छा, वो ये है, हम लोग एयरपोर्ट पर शॉपिंग कर रहे थे। ठीक है, वो नहीं होता दुबई एयरपोर्ट में आप, ठीक है, ट्रांजिट में शॉपिंग कर एयरपोर्ट घूम लेते हैं, ड्यूटी फ्री। ठीक है, ठीक है। अब मैंने कैप पहनी, मेरे हाथ में परफ्यूम है। ठीक है, ठीक है। अब वो टाइमिंग इस तरह थी ना, कैप भी नहीं थी, ठीक है, और हाथ में परफ्यूम भी नहीं है। अब मैंने जैसे ही कैप पहनी है, मैंने इस तरह किया, ठीक है, परफ्यूम लगाया, ठीक है, सुनिए, मैंने कहा किस कैसा लग रहा हूँ। अब वो जो है ना उसके वो ये अभी तक ये कहता है कि यासिर भाई आपने परफ्यूम लगा के कहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, यार कैन यू बिलीव दिस, मतलब मैं परफ्यूम लगा के कहूंगा मैं कैसा लग रहा हूँ। माफी दे दे यार अब तो। यार फिर दोस्ती में ना, हाँ, शुगल में जब एक ताल्लुक होता है तो ऐसे ही इस तरह की चीजें तो चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यासिर भाई आपसे बस एक दो चीजें और कैरियर पे, उसके बाद फिर एनालिसिस पे। आपने दो टूर की इंडिया के पाकिस्तान टीम के साथ। जी, जी। वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो हम लोग कहते हैं कि जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का क्राउड, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा बिहेव करता, कुछ कहते हैं ये बहुत अच्छा होता है। आपका साथी एक्सपीरियंस कैसा रहा और इंडिया में किसके साथ आपकी ज़्यादा गपशप हुई या ज़्यादा दोस्ती आपकी इंडियन क्रिकेटर के साथ? यार इंडियन जो टीम थी उनके साथ तो सबके साथ हमारी बड़ी गपशप थी। उन दिनों में ये वाला माहौल नहीं था जो आजकल बना हुआ है। ठीक है, और दिस इज़ वेरी यू नो, वो कहते हैं ना कि बड़ी अफसरदा सी बात है कि जो अब आजकल जो बना हुआ है। अभी भी यार जो भी इंडिया में, अभी आज हमारी बात हो रही थी, हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उनसे प्रोग्राम के दौरान वो उधर है, ठीक है, तो उनसे उन्होंने पूछा, होस्ट ने पूछा कि यार कैसा टाइम गुजरा, कहते हैं हमें बड़ा प्यार मिल रहा है, हमें जो हॉस्पिटैलिटी मिल रही है। ये लोग जो है ना वो क्रिकेटर्स से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, स्पेशली इंडिया के जो मेजॉरिटी जो है वो क्रिकेटर को बहुत प्यार करती है, स्पेशली पाकिस्तान की टीम। और देखें अपनी टीम को तो हर कोई बैक करता है ना। अब इंडिया की टीम यहाँ पे आएगी तो हम जाहिर हम हमारा क्राउड हमें बैक करता है, लेकिन एक चीज़ है कि हमारा क्राउड उनको भी बैक करता है। ठीक है, ये हुआ पास में, बिल्कुल बिल्कुल हुआ। और अब जो है ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है ये चीज़ देख के कि बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता है। या खैर ये चीज़ तो पहले भी थी, बट प्यार बहुत मिलता है वहाँ पे। हमारे ज़माने में तो हमारे प्लेयर्स के साथ भी बहुत गपशप थी। ठीक है, ये हरभजन हो गए और युवराज हो गए और इरफान पठान और बाकी यू नेम इट, सारे जो जितने भी थे उस वक्त टीम में, सिवाय राहुल द्रविड़ के और अनिल कुंबले के। वो बड़े सीरियस नहीं थी। हाँ, बड़े सीरियस जेंटलमैन थे वो। अच्छा, इतनी ज़्यादा वो लेकिन बहुत अच्छा, बड़े अच्छे, बाकियों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली था, बड़े अच्छे जेस्चर्स वो देते थे, लाइक बड़ा पॉजिटिव वाइब्स। वो तो मतलब ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड। अभी जब हमने पिछले किसी मैच में देखा कि रिजवान जब आउट होके जा रहे थे तो क्राउड ने बड़ा उनको जुमले कसे उनके ऊपर, आपके दौर में भी ऐसा कभी हुआ और ये जो वाकया हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? आपने इस पर कोई बात की होगी? या बिल्कुल, ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि इट्स बिलो द बेल्ट चीज़ है कि आप कोई भी क्रिकेटर हो, क्रिकेटर देखें एक एम्बेसडर होता है, कुछ नहीं तो स्पोर्ट्स का गेम का तो एम्बेसडर है, और फिर आपके कंट्री में ठीक है आपके कंट्री में आपको पता है कि यार आप उसे क्यों ट्रिगर कर रहे हो इस तरह कि आप, ठीक है आपका मजहब है, ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट इट, ठीक है आपका मजहब है वी रिस्पेक्ट इट, बिल्कुल हमारा दीन हमें यही कहता है तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करो, ठीक है वी रिस्पेक्ट इट, लेकिन मैं आपको आपके मुंह पे जाके कहूँ नारे तकबीर, मतलब एक वो है ना किसी भी नॉन मुस्लिम को आप जाके कहें तो ये गैर मुनासिब है, नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों ने उनको वो किया है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने इंडिया से तनकीद किया है इस पर, और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे एतराज़ किया है कि ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के अलावा भी, तो वो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं थी। क्राउड कभी हमने ये देखा ही नहीं है, और बहुत से मतलब मैंने वो ट्विटर पे एक वीडियो डाली थी अपनी, तो मुझे इंडिया से इतने मैसेजेस उसमें आए हैं, ट्वीट के रिप्लाई आए हैं, यकीन करें पूरे पूरे इतने लंबे कि यार ये कोई हरकत है इन्होंने जो की है, वहाँ के जो इंडियंस हैं और जो हिंदू इंडियंस हैं, लाइक वहाँ के जो इंडियंस हैं उन्होंने भी तस्लीम किया कि ऑब्वियसली मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है ना, अब 30 करोड़ मुसलमान है, रिलीजन है वहाँ पे, ठीक है तमाम मज़ाहिब हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो हिंदू उन्होंने मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उन्होंने वो किया कि यार दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। ज़ाहिर अगर क्राउड में किसी ने कर दिया और अगर बाकी लोग कह रहे हैं गलत है, इसका मतलब ये भी अच्छी चीज़ है कि उन लोगों ने एटलीस्ट एक्सेप्ट किया इसको कि ये गलत हुआ। यासिर भाई, पिछले दिनों जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, कहाँ 150 पे 2 और फिर कहाँ 191 पे सारी टीम चली गई, उस पर आपकी माहिराना राय में लेना चाहता हूँ, आपको वजह क्या लगी है? प्रेशर था, जस्ट प्रेशर था, या वाकई विकेट ऐसी थी उसमें स्विंग ऐसा था, या बॉल्स अच्छी पड़ी थी इतनी कि आउट होना बनता था, या बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए? देखिए बात यह है कि उनके ट्रम्प कार्ड जो है वो इस वक्त कुलदीप यादव है, ठीक है जी जी, और जडेजा है जी जी। आपने कभी भी जो उनके मेन बॉलर्स है ना उनको कभी आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, पहले रिस्पेक्ट करना, ठीक है उनको सी ऑफ करना है, देखना है उन पर सिंगल्स लो, 2 3 4 करो। हमारे जितने भी हैं उन्हीं के अगेंस्ट उन्होंने चांस लिए, दे वर नॉट द वीक लिंक्स, दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक्स। स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक्स को आपने तरीके से सी ऑफ करना है, देखना है, खेलना है, और थोड़ी देर बाद वही फिर वीक लिंक बन जाएंगे। अगर आप उनको फिर तो आप उनके प्लान में आ गए ना, उनका प्लान ये कि यार उन्होंने अटैक करना है उनसे। आप इंडिया श्रीलंका के मैच में देख ले, 120 फॉर नो लॉस, और फिर एकदम उनका भी कोलैप्स हो गया, क्यों कि उन्होंने कुलदीप ने और उसने विकेट्स ली, पीछे उनको कोलैप्स कर दिया। तो आप कभी भी इस तरह की सिचुएशन स्पेशली इंडिया में आपने स्पिनर्स को कभी विकेट्स नहीं देनी, स्पेशली उनके जो मेन स्पिनर्स हैं, ठीक है उनको आपने विकेट्स नहीं देनी, भले किसी और को दे दो, उनको नहीं देनी। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट था जो ये ट्रिक हमने मिस की। उनको जब विकेट्स मिलती हैं तो ज़ाहिर है वो फिर चढ़ जाते हैं ना, फिर उनका हर बंदा चढ़ जाएगा आप पे, बिल्कुल फिर वो एक नॉर्मल सा बॉलर भी वो भी ब्रेक शुरू कर देगा, वो भी सीम स्विंग शुरू कर देगा। तो आप यही वजह समझते हैं बिल्कुल कि हमने उनको इजी लिया उन दो को, अगर उन दो को छोड़ देते बाकियों को स्कोर मारते, आप उनको उनके 20 ओवर में 80 कर लें कोई बात नहीं, बाकियों के 30 ओवर में आप 200 कर लें तो 280 हो गया। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान टीम खेल रही है सेमीफाइनल? यार ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, लेकिन आई होप के खेलेगी। दुआ तो हमारी यही है, बिल्कुल ऐसा पाकिस्तानी हम यही दुआ करते हैं कि पहुंचे, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको क्या लगता है? और या सिर्फ ये जो 2-3 बड़े अपसेट्स हो गए हैं, इस तरह अफगानिस्तान इंग्लैंड से जीत गया, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका से जीत गया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सारा तुक्का था या पिच ऐसी थी या उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि उन्होंने करके खेला, वरना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अफगानिस्तान इंग्लैंड से जीत जाएगा, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका से जीत जाएगा, जबकि साउथ अफ्रीका इतनी तैयारी के साथ पहले अपने मैचेस जीतता आ रहा है, बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, तो ये हुआ क्या है यहाँ पे? अपसेट तो अपसेट होता है। वैसे तो ये पूरा टूर्नामेंट ही अपसेट लग रहा है मुझे। अच्छा, मतलब कोई मैच नेल बाइटिंग नहीं हुआ अभी जितने भी आप हाफ टूर्नामेंट हो गया, कोई ऐसा मैच नहीं है। मुझे एक मैच बता दें जिसमें लास्ट ओवर में 10 रन रहते हो, ठीक है वन साइडेड हो रही है गेम्स, कोई 60 रन से जीत रहे हैं, कोई 8 विकेट से जीत रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा कोई एडवांटेज है जो उठा गया तो वो ले गया मैच, और जिसने मिस कर दिया तो वो मिस कर दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, आप देखें पाकिस्तान ने टॉस जीत के, यार इतना सा मॉइस्चर था, उस मॉइस्चर को उन्होंने समझा पता नहीं क्या है, बैटिंग करा दी और 370 करवा दिया। ठीक है बिल्कुल, यार इतना सा मॉइस्चर गया, इतना सा मॉइस्चर हो, इतना मॉइस्चर हो, आपने पहले 2-3 ओवर गुजारने हैं। मुझे बताया कितना उस मॉइस्चर ने आपको हेल्प किया। इतना हार्ड ट्रैक है, ना ब्रेक हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो ये चीजें हैं कि ये ऐसी गलतियां मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए इतने बड़े मैच में। यासिर भाई, आपने देखा होगा इंडिया में मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी स्टेडियम के अंदर, तो उनके एक किसी वकील ने वो कंप्लेन लॉन्च कर दी, जी ये क्रिकेट खेलने आए हैं और ये नहीं होना चाहिए था। आपकी उस पर साथी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट में है तो आज से पहले तो कभी इस चीज़ पे कभी एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन अब एतराज़ात शुरू हो गए हैं कि यार नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट में तो अब आप अंदर पढ़ लें नमाज, कोई ऐसी बात नहीं है, नमाज ही पढ़नी है ना, अल्लाह के लिए पढ़नी है नमाज, तो खैर है। अगर ग्राउंड में पढ़ ले तो तब भी कोई ऐसी बात नहीं। मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको ये एक्सप्लॉइट करने वाली चीज़ें, रिलीजन को कभी एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। रिलीजन सबका जो है वो बड़ा मुकद्दस और बड़ा रिस्पेक्टेड होता है, ठीक है, कोई भी हो। और जिस तरह आपने बात की, जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यही कहा है कि दूसरों के मज़ाहिब का भी एहतराम करो, ठीक है। और बीइंग अ मुस्लिम, हमारे लिए हर जगह मस्जिद है। बिल्कुल, अब ये तो किसी को नहीं पता ना जो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल, हमारे लिए तो पूरी दुनिया को मस्जिद बना दिया गया है। आप ग्राउंड में भी पढ़ सकते हैं, आप अंदर जाके भी, आप ग्राउंड में भी पढ़ सकते हैं, आप घर में भी पढ़ सकते हैं, आप छत पे भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं पे भी, वो जगह पाक होनी चाहिए। हमारा तो ये मजहब है ना, हमें तो ये पता है। बिल्कुल, तो अगर उसने पढ़ी है तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि शायद वो जो इंडियन वकील साहब है ना, शायद सस्ती शोहरत के लिए जैनब अब्बास पे कर दिया, वो पुराने एक 8 साला ट्वीट पे, और इधर से तो ये शायद, क्योंकि सस्ती शोहरत का सबसे अच्छा तरीका ये है ना कि जो बंदा फेमस है उस पर उंगली उठा दो, उस पर कीचड़ उछालो, तो लोग कहेंगे यार ये कौन है जो गंद डाल रहा है, तो वो आप एटलीस्ट लोगों की नजरों में आ जाते हैं। जब आप लोग टीम में खेला करते थे तब और आज की टीम के माहौल में क्या फ़र्क आप देखते हैं? मैं मजहबी तौर पे बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि अब जो नमाज का और इन चीज़ों का है वो ज़्यादा बेहतर है, उस वक्त कम था, या उस वक्त भी और अब भी बराबर ही है? देखिए, जब मैं आया था टीम में तो उस वक्त काफ़ी रुझान हो गया था नमाज का, क्योंकि नया नया वक्त लगा था, इंजमाम भाई का भी, यूसुफ भाई का भी, तबलीग के साथ शाहिद भाई का भी। और नमाज तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से पढ़ता था माशाल्लाह, और नमाज तो हमेशा से बचपन से मैं पढ़ रहा। आपका भी लगा हुआ वक्त तबलीग के साथ? हाँ, मेरा भी लगा हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। बिल्कुल, मेरे 3 दिन भी लगे, मेरे 10 दिन भी लगे माशाल्लाह, मेरे 20 दिन भी लगे माशाल्लाह। और वो तो बहुत ही एक अजीम रास्ता है ना, अजीम रास्ता, बेशक बेशक अजीम रास्ता। वो तो ऐसा रास्ता है कि जो वो कहते हैं कि चल के देखा जाता है, मतलब वो तब तक नजर नहीं आता जब तक आप चलते नहीं उस पे। बिल्कुल, वो ऐसा घर बैठे तो नहीं पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो तबलीग के दौरान, या जब ज़ाहिर है आप लोग तबलीग के करीब हुए, तो आपकी कि मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई कभी, या उनके साथ? जी, मेरी उनसे 2-3 मुलाकातें हुई हैं। 2 दफ़ा तो टीम के साथ हुई हैं, 1 दफ़ा मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात हुई थी बाब-ए-फतेह पे मक्का में। अच्छा, हाँ, तो वो भी मक्का में थे, मैं भी मक्का में था। तो उनके बेटे जो हैं यूसुफ भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, मैंने मौलाना साहब के साथ भी पॉडकास्ट की हुई है। अच्छा अच्छा, यूसुफ भाई के साथ भी की है, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ भी। अच्छा, और यूसुफ भाई शानदार आदमी है। हाँ, उस वक्त वो यंग थे बिल्कुल, तो खैर अभी भी यंग है यूसुफ भाई। अभी भी यंग है, अभी उनकी मैं देख रहा था काफी मुशाबियत जो है वो अपने वालिद साहब की माशाल्लाह चली गई है। उस वक्त थोड़े नौजवान थे, तो इन्हीं ने मुझे नंबर दिया था मौलाना साहब का। तो मैं सऊदी अरब में था, तो मेरी इनसे बात हुई, तो फिर इन्होंने मुझे नंबर दिया। तो मैंने जब कॉल की तो इन्होंने कहा मैं इधर खड़ा हूँ बाब-ए-फतेह पे, तो आप आ जाओ। फिर मैं भाग के गया, फिर मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी। वो बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी शख्सियत, मोहब्बत फैलाने में ना उनकी बहुत बड़ी शख्सियत को ख़त्म करने में, लोगों को आपस में मिलाने में, वरना तो ये बेशक मेरी ये ज़ाती राय है कि मौलाना साहब हो गए और भी इनके तरह के तमाम मसालिक में बड़े बड़े उलमा हैं कि अगर ख़ास तौर पे मौलाना तारिक जमील साहब का अगर ये काम ना होता तो शायद हमारे नौजवान नस्ल तो एक दूसरे को काफिर काफिर कह रही होती। हाँ नहीं, बहुत बड़ा रोल है इन लोगों का। और आजकल देखिए थोड़ी सी कॉन्टेम्प्रेरी हो गई ना चीज़ें, नौजवानों को आपने एक यूथ क्लब है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनका अक्सर पॉडकास्ट किया, अच्छा अच्छा, अक्सर मैं उनके, क्योंकि आजकल आपको पता है कि रील्स का दौर है जी, और रील्स जो है वो चलती है। तो मैं एक दफ़ा, यकीन करें वो जो है तहा बिन जलील जी, तो मेरी ना नमाज में थोड़ा सा मस्जिद में बेकायदगी आ गई। मैं घर में ही पढ़ता था तो मैं समझता था यार बड़ा कारनामा कर लिया, आज नमाज पढ़ ली है। तो ना मैं उनके एक वो बड़ा वायरल हुआ है उनका एक क्लिप, यार एक सहाबी थे तो वो अंधे थे और बीमार भी थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि यार मैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक तो अंधा हूँ, दूसरा मैं बीमार हूँ, चल नहीं सकता, रास्ते में झाड़ियाँ हैं, अकेला हूँ, 5-6 उज़र बयान किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली एक क्वेश्चन किया कि मस्जिद की आवाज़ आती है नमाज अजान की। कहा हाँ, नमाज मस्जिद में। यार यकीन करिए ये मैंने जब सुना ना तो मेरे ना अंदर से ना इस तरह रूह कांप गई। आई वॉज जस्ट वॉकिंग, जिस तरह वॉक करते हुए सुनता है बंदा। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। यकीन करें वो दिन और पूरे 2-3 महीने, रमज़ान से कोई 2-3 महीने पहले के, रमज़ान से पहले शाबान होता है, रजब होता है, 3 महीने ना 2 महीने मैंने मस्जिद की नमाज फजर की भी मिस नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होता है, बहुत बड़ा क्रेडिट है यूथ क्लब का, आप देखें बहुत बड़ा क्रेडिट है, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, और एक मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, अल्लाह का और इंसान का ऐसा ताल्लुक है, मतलब अल्लाह इतनी रहीम ज़ात है बेशक कि हम जो अमल भी कर रहे थे, जिस हालत में भी हैं, हम उसके आगे उम्मीद नज़र आ रही होती है। चाहे आप बहुत गुनाहगार हैं लेकिन आपको ये लगता है कि यार मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा। अब जिस तरह मैं अब नमाज पढ़ता हूँ घर में, सपोज जी, मुझे लगता है यार मैं बड़ा काम किया, ठीक, मेरा रब राज़ी हो गया इससे। लेकिन जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ फिर रियलाइज़ करता हूँ यार ये मैंने क्या किया, मैं घर में पढ़ता था नमाज। फिर एहसास होता है कि ये दिस इज ये असल। फिर उसके बाद तकबीर उला के साथ जब पढ़ता हूँ फिर कहता हूँ यार मैंने तकबीर उला किस तरह मिस की, यार मैं कितना पागल हूँ। मतलब स्टेजेस है ना। फिर जब आप सुन्नत और नवाफिल सारे अदा करते हैं फिर बंदा कभी सोचता है यार मैं तो सिर्फ फर्ज पढ़ लेता था, मुझे तो ये भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी जब अल्लाह पाक आपको तहज्जुद नसीब करते हैं तो फिर आप सोचते कि यार ये क्या मिस कर दिया मैंने, असल मजा तो इधर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे जितना आप आगे चलते जाते हैं आपको एहसास होता जाता है ऐसे ही, और आपको ना शैतान यूं खींचता है, इधर आ वापस आ वापस, इधर आ, मैच है, ये है, वो है, पैसा है, ये है, वो है, बंदा खिंचता रहता है, वापस आता है। लेकिन फिर जो है ना, मैं ये समझता हूँ, आई बिलीव कि एक दफ़ा जब आप अल्लाह के रास्ते में ज़रूर निकलना चाहिए। सब यूथ को मैं कहता हूँ जो मर्ज़ी करो आप अल्लाह के रास्ते में निकलो तो फिर जो है ना अल्लाह आपको वसूल करता रहता है। पूरी उम्र कहीं ना कहीं आपके वक्त लगते हैं, आप तो जुड़ते रहते हैं अच्छे लोग, अच्छे सोबत में। बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। अच्छी सोबत बहुत ज़रूरी है। वो जिस तरह एक मिसाल है कि अगर आप किसी खुशबू वाले के पास बैठेंगे, खरीदेंगे नहीं भी, लगाएंगे नहीं भी, तो कोई ना कोई खुशबू आती रहेगी। Absolutely. और वो किसी चिंगारी वाले के पास बैठेंगे तो वो आपके कपड़ों पे कहने के पड़ती रहेंगी। देखिए इंसान यही है माशाल्लाह के, वो कहते हैं कि चलो जुड़े रहो, अच्छी सोबत, याद दहानी होती रहे। बिल्कुल ऐसा ही बुजुर्गों के साथ अच्छे दोस्त, मतलब ये जो है ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होते हैं, रहने चाहिए। यासिर भाई, अगर हम बैटिंग की बात करें पाकिस्तान की, रिजवान बड़ा कंसिस्टेंट हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर की तो एक अलग ही क्लास है। इंडिया से अगर हम देखें तो विराट कोहली और शुभमन गिल, वो आजकल, बल्कि वो तो कभी बस वो पॉइंट्स से ही बाबर के साथ उनका वो चल रहा है। तो आप इन चारों को अगर हम देखें तो आप कैसे कंपेयर करें और आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया में कौन ज़्यादा बेहतर जाएगा और पाकिस्तान में कौन ज़्यादा ऊपर आने लगा है? देखिए आप कंपेरिजन नहीं कर सकते कभी, हर सबकी अपनी अपनी क्लास है। बाबर आजम जो है एक तो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके पास अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी हुई है, बहुत टैलेंट है, बहुत टाइम है खेलने का, ठीक है, और इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जाते, पीछे ही नहीं जाते, उधर ही जो है ना बॉल मैनेज करते हैं, उधर ही टाइम करते हैं। बड़ी क्वालिटी है। अगर आप विराट कोहली की बात करें तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है, क्योंकि आप देखें वो फिनिशर है, ठीक है, हाँ, वो अपने लिए खुद ही स्क्रिप्ट बनाता है, अपना खुद ही वो कहते हैं ना स्क्रिप्ट बना के और ख़ुद ही जो है ना वो एक्ट करता है और ख़ुद ही फिनिश करता है। मतलब आप देखें इसी तरह वो उसकी ये क्वालिटी है उसकी, तो वो जो है बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। अच्छा देखिए आपको अगर याद हो ऑस्ट्रेलिया में जिसमें इसने हारिस रूफ को सीधा छक्का मारा, जी बिल्कुल, अब वो पूरा मैच अगर आप सुनहरिया को चेक करें वो पूरा विराट के गिर्द घूम रहा था, ठीक है। फिर आप इस वर्ल्ड कप में देखें एक मैच वो जो जिसमें लास्ट बॉल पे बांग्लादेश के अगेंस्ट आखिरी बॉल पे छक्का मारा और इसने वो किया, तो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है। बाबर बहुत क्वालिटी है, लेकिन बाबर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको टाइम लगेगा। अच्छा, विराट कोहली तक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस स्पीड से जा रहा है माशाल्लाह, अल्लाह करे इसी तरह परफॉर्म करता रहे और इससे भी अच्छा इसको अल्लाह इससे ज़्यादा इसको कामयाब करे, तरक्की दे। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी जो होगी इसकी जितनी ज़्यादा होगी, जितने मैचेस जिताएगा ये मैच विनिंग करेगा। मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़रूरी है, क्रंच मोमेंट्स में जहाँ पे पाकिस्तान को ज़रूरत हो वहाँ पे मैचेस जिताए, ठीक है, अच्छी टीमों के अगेंस्ट जिताए। साइकोलॉजिकल एज इसका हो टीमों पे, इस पे किसी टीम का साइकोलॉजिकल एज ना हो, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये he will be there इंशाल्लाह eventually। यासिर भाई, कोई आपने पहले हमें बड़े मजे के दो वाकया सुनाए, उस तरह के वाकया सुनाए, बहुत वो वाकया सुन के बड़ा मजा आ रहा है कि ये टीम के किस किस्म की शैतानियां और शरारतें। मैं शैतानियां पॉजिटिव वे में। अच्छा, एक दफ़ा ना क्या हुआ कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे और हम लोग का होटल और ग्राउंड के बीच में ना पर्थ में मैच था, होटल और ग्राउंड के बीच में एक पार्क था, ठीक है। पार्क में ना तकरीबन कोई आप देख लें 6 फीट 10 फीट 12 फीट का एक पॉन्ड था, मतलब जिस तरह वो कहते हैं ना नहर, छोटी नहर, ठीक है, छोटा सा एक वो, ठीक है, पार्क में उन्होंने बनाया हुआ था, आर्टिफिशियल ही था, ठीक है। उसके ऊपर पुल बना हुआ था, ठीक है, हम पुल से जाते थे, ठीक है। तो राना नवीद भी था उस टूर पे, ठीक है। तो राना मुझे कहता है कि यार अगर इसके ऊपर से मैं जंप मारूं तो शर्त लगाते हो। मैंने कहा यार ये इतना बड़ा, मैं कहा लगा दे। मैं कितनी? कहता $100। अच्छा। मैं कहा $100 तो आया ही आया, लेकिन मुझे डर लग रहा था यार ये कहीं खुदा ना खास्ता थोड़ा सा स्लिप हो गया, तो उसको कोई इंजरी ना हो जाए। तो बड़ा हेसिटेटली ना मैंने कहा चलो यार ठीक है। नहीं कहता नहीं शर्त है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, चलो तुम लगाना चाहते हो तो लगाओ। मैं कहा ऐसी गप लगा रहा है, मैं कहा शायद आगे रुक जाए यार। जो वहां से आया, जंप लगाई और 12 फुट का वो क्रॉस कर दिए जंप लगा के। अच्छा। और अभी मैं होटल पहुंचा, अभी कमरे में पहुंचा, टक 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 $100 फिर दिया आपने? तो फिर मैं दिया, कहाँ छोड़ना है, राना ले लिए थे। डॉलर या अमेरिकन डॉलर थे? अमेरिकन डॉलर थे। अच्छा, आपने फिर $100 का नुकसान। हाँ, उस वक्त $100 का था डॉलर तो खैर मैं ये ले यार, क्यों नहीं। फिर मैं सोचा यार वाकई $100 कहते हैं। हाँ $100 शर्त लगाई है मैं कर ले। तो और भी कोई ऐसी चीज याद है आपको? हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक दफ़ा बड़ा मज़े का वाकया, वो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा हल्का सा स्केरी है, बट अच्छा। हम लोग ना साउथ अफ्रीका में, अब हम डे ऑफ था तो पिकनिक मनाने गए, ठीक है। बारबेक्यू था, वॉलीबॉल था और कोई दरिया था, पता नहीं कौन सा दरिया था, मुझे बड़ा याद नहीं है, लेकिन बहुत उसकी विड्थ थी और उसके ना किनारों पे वो झाड़ियाँ नहीं निकली होती, जी, इसमें लगता है अभी मगरमच्छ निकलेगा, जी। अब हम लोग एक कश्ती में बैठे, इंजी भाई थे, यूसुफ भाई थे, यूनुस भाई थे, मैं था, जुल्करनैन हैदर एक विकेट, जी बिल्कुल, और पता नहीं एक और था कोई, मुझे याद नहीं कौन था। तो खैर जी, अब बिल्कुल दरिया के बीच में पहुंचा के ना उन्होंने, हम सब ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई, ठीक है। तो मुझे ना स्विमिंग नहीं आती थी। अच्छा, मैं मतलब स्विमिंग कर लेता हूँ लेकिन मैं इतनी ज़्यादा करता नहीं हूँ। ठीक है, कर लेता हूँ, अब मैंने थोड़ी सी अब ज़्यादा करता हूँ। उस वक्त मैं बस खाली पानी में जा गई हूँ, डुबकियाँ छुपकियाँ मारी, एक दो गोते मारे, निकल गए। उन दिनों में ना हमारी वो ट्रेनर आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, तो वो हमें पानी के अंदर की एक्सरसाइजें कराते थे। अच्छा, अंडर द वाटर, ये हाथ की और ये और वो, बड़ी हम गर्म जोशी से करते, इतना हम करते थे, फिर स्विमिंग का दिल ही नहीं करता, फिर थोड़ा बहुत किया था। अब यार उस दरिया की जो विड्थ थी ना, तकरीबन मेरे हिसाब से हुई होगी, मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी चौड़ा था। इतना अच्छा। बड़ा दरिया जो है ना वो बड़ा, ये आप इस तरह कह लें दरियाए सिंध लगा ले। अच्छा, मतलब दरियाए सिंध टाइप का दरिया था कोई, ठीक है, चौड़ा। हाँ, चौड़ा। और उसके दरमियान उन्होंने कश्ती रोकी और इंजी भाई ने जंप मार दी, क्योंकि मैं स्विमिंग करके जाऊंगा। तो मुझे भी कहा कि तुम भी छलांग मारो, और यूसुफ भाई ने कहा कि यार तुम भी छलांग मारो, और मैंने भी छलांग मार दी और जुल्करनैन में भी छलांग मार दी। अब काफ़ी सारी स्विमिंग थी करनी। अब ना मैं पैनिक हो गया। मैं कहा यार अल्लाह, मैं तो गया आज। हालांकि मैं लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, ठीक है, डूब मैं नहीं रहा था। तो अब जी मैं अब स्विमिंग कर रहा हूँ, अब मुझे ना पैनिक हो गया। मैं कहा यार अल्लाह, मैं गया, डूब गया। इतने में कामरान आ गया। ठीक है, अब कामी आया तो मैंने कामी मुझे किनारे पे ले जाया, कहता ठीक है। अब मैंने उसकी बाइक को पकड़, वो जेट स्की को पीछे से पकड़ा। ठीक है, जैसे उसने एक्सीलेटर दिया ना तो पीछे से पानी निकलता, मैं हवा में। अच्छा यार, फिर मैं किनारे पे पहुंचा, और जब मैं किनारे पे पहुंचा तो मेरे शॉर्ट्स नहीं। अच्छा वो अच्छा नहीं होता, वो प्रेशर से वो डेक सा बना होता है। जी। उस पानी के प्रेशर से ना मुझे पता ही नहीं चला मेरा शॉट कहाँ है। तो खैर उधर मैं डेक पे पहुंचा, मैंने आवाज दी, मेरे पता नहीं कौन था, मैंने कहा यार ये टॉवल दे दे, फिर टॉवल। यासिर भी आपके साथ पॉडकास्ट करके बड़ा मज़ा आया, तो आप अपनी पॉडकास्ट क्यों नहीं शुरू करते? आप अपने शुरू करें ना, हमें भी बुलाएं, हमारे दोस्त जो मेरे दोस्त हैं वो मैं ले आऊँगा, जो क्रिकेटर आपके दोस्त हैं वो आप लाएं। सीरियसली? तो आप, हाँ सीरियसली, आप इतनी अच्छी गुफ्तगू करें तो क्यों नहीं शुरू करते? आजकल देखें हर जगह पे पॉडकास्ट शुरू हो रही है। हाँ, नहीं करनी चाहिए, हर गली में, हर शहर में पॉडकास्ट। मैंने एक आध पहले भी किया है, अभी मुझे एक और दो और भी कह रहे हैं कि करना है। जी। पॉडकास्ट में जरा थोड़ा सा ना बड़ा कंफर्टेबल। हाँ देखिए, इंटरव्यू में ये होता है कि बस आप बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, इसमें खुला टाइम है। हाँ। जो मर्जी बात तसल्ली से, और जो बातें आपने यहाँ बताई ये आप टीवी इंटरव्यू में नॉर्मली नहीं बता सकते। सही बात है। चले, जब भी मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगा पहला पॉडकास्ट आपसे करूँ। चले ठीक है जी, डन हो गया, मैं हाजिर हूँ, मुझे बस आपने एक दिन पहले बता देना है और मैं पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। कम कर रहे हैं वैसे, पहले मैं ऑन अ सीरियस नोट कह रहा हूँ। ऑन अ सीरियस नोट आपको करना चाहिए, आप माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू करते हैं, फिर आपके पास एक्सपर्टीज है। अभी तक क्रिकेटर कोई नहीं कर रहा पॉडकास्ट, ठीक है, सारे हम मेरी तरह के ही हैं, मतलब किसी की कोई फील्ड है, किसी की कोई है, बस उठ के पॉडकास्टर बन गए हैं। क्रिकेटर कोई नहीं कर रहा। अगर आप क्रिकेट पे पॉडकास्ट करें, इवन आप अकेले भी करें बैठ के, आप अच्छा। अपना तजिया अकेले भी पेश करें, कभी आपके पास गेस्ट भी हो, गेस्ट नहीं है तो अपना ये वाले माइक लगा के इसका जो तजिया करने का मजा ज्यादा आएगा आपको इंशाल्लाह। चले थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं पॉडकास्ट। चले ठीक है, करें ट्राई। अभी आप ट्राई करें। चले आप ये अभी पॉडकास्ट शुरू होने लगी है। ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम हाफिज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए ठीक ठाक है? हाफिज साहब जी, हाफिज अहमद नाम है आपका? हाफिज अहमद पूरा? अच्छा माशाल्लाह, मतलब आपका पूरा नाम अहमद है? हाफिज मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद आपका पूरा नाम है? हाफिज हाफिज भी मेरे पासपोर्ट पे है, क्योंकि मैंने हिफ्ज किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन में कर लिया था। अच्छा माशाल्लाह। तो मैट्रिक के रिजल्ट पे हाफिज लिखा हुआ, इसलिए उसके बाद हाफिज मेरे पासपोर्ट और आईडी कार्ड का हिस्सा है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, हिफ्ज आपने किया हुआ है जी, तो जरा माशाल्लाह, तो आप मुझे जरा बताएं कि हिफ्ज करके क्या आप डिफरेंस फील करते हैं? लाइक एक आम, मैंने हिफ्ज नहीं किया हुआ पर मुझे कुछ कुरान की सूरतें याद है, जिस तरह मुझे सूरह मुल्क आती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मुझे सूरह रहमान आती है आधे तक, सूरह यासीन आती है मुझे आधे तक। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि कुछ साइकोलॉजिकल, कोई ब्रेन के कोई लॉक्स खुलते हैं इससे कोई, ये क्योंकि कुरान एक मौजज़ा है। बिल्कुल, जहन ऐसा खुल जाता है माशाल्लाह, आपका हाफजा इतना तेज हो जाता है कि फिर बाकी चीज़ें जो है ना वो आपको याद करनी, और वो और जो एक सुकून फील होता है ना, आप कहीं नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं तरावी पढ़ रहे हैं, जब वो इमाम साहब पढ़ रहे हैं और आपको आ रहा है और आपके जहन में भी साथ साथ चल रहा है, उसका एक अलग ही मसा होता है माशाल्लाह। जब आपको पता होता है ये आगे ये पढ़ेगा, ये आगे ये बोलेगा, फिर अगर तर्जमा आता हो तो क्या ही बात है। मैंने तर्जमा नहीं पढ़ा हुआ, कुछ सूरतों का आता है या जहाँ कहीं कहीं से आप थोड़ा बहुत कोई ट्रैवलिंग कर करके कोई थोड़े बहुत लफ्जों के तर्जमे पता चल गए हैं, तो वो उस उधर तो फिर मजा की क्या ही बात है ना। आपको कुरान आता हो साथ उसका तर्जमा आता हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। और तर्जुमा भी माशाल्लाह किया हुआ आपने थोड़ा बहुत, लेकिन वो अंडर ऑब्वियसली फिर आप क्योंकि इतना पढ़ते हो तो पता चल ही जाता है कि मास्टर तो है, बिल्कुल बिल्कुल काफी सारे लफ्जों का आइडिया हो जाता है। ठीक है ठीक है। तो ये पॉडकास्ट कब से कर रहे हैं आप? पॉडकास्ट 1 साल हो गया। अच्छा, हाँ जी माशाल्लाह। सर मेरे ख्याल से बस लगता है कि कर लूंगा। हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आना शुरू हो गए हैं, मतलब तो वो फिर हमें अच्छा लगा। आप वहाँ पूछिएगा मुझे, ठीक है इंशाल्लाह, जरूर जरूर इंशाल्लाह। चलें यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, यू वेलकम। लास्ट पे आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज, अब आप मेरे मेहमान बन गए, अब पॉडकास्ट वापस करेंगे। हाँ नहीं, बस पब्लिक को किस हवाले से मैसेज दूं मैं, नौजवान नस्ल को मैं चाहूँगा आपको मैसेज दें, खास तौर पे उस नौजवान नस्ल को जो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं, रातों रात अमीर होना चाहते हैं, तो कोई टिप कोई फार्मूला उनको बताते हैं। ये अच्छी बात किया। देखें सक्सेस जो है ना वो कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ठीक है, सिर्फ हार्ड वर्क है जो कि आपको सक्सेस दिलाती है। ठीक है, बाज़ लोगों को रातों रात भी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं होती जब तक आप एक प्रोसेस से ना गुजरे हो। ठीक है, तो अपने आप को ग्राइंड होने दें, जितना आप ग्राइंड होंगे उतना ही कुंदन बनेंगे। ठीक है, नंबर 1 तो ये बात हो। दूसरा जो है सक्सेस क्या है, एक्सीलेंस जो है ना वो अट्रैक्ट करती है सक्सेस को। ठीक है, आपने अपने अंदर अपना जो भी आप काम कर रहे हैं आपने एक्सीलेंटली करना है। ठीक है, तीसरी एक बात है कि आपका जो टैलेंट है वो कोई भी स्किल हो वो टैलेंट होता है। ठीक है ठीक है, जैसे मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा टैलेंट है मैं बैटिंग करता हूँ, ये ठीक है। आप स्पीकर हैं और लोग हैं उनके कोई डिजिटल में अच्छा है, कोई लॉयर अच्छा है, कोई कुछ भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। ठीक है, ये उसका स्किल हो गया, लेकिन टैलेंट का एक और रुख है वो है डिसिप्लिन। ठीक है, वो भी टैलेंट है, वो भी स्किल है। अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं और आप डिसिप्लिन ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ आपको बाद में हर्ट करती है। अभी आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप जहाँ पहुँच सकते हो आप वहाँ पहुँच नहीं सकोगे, तो इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मैं सारे बच्चों को ये कहता हूँ कि यार टैलेंट के साथ डिसिप्लिन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप डिसिप्लिन हो, लेस टैलेंटेड हो, तो आप वो कहते हैं ना, टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजेंट हार्ड वर्क। तो ये चीज़ जबरदस्त, क्या जुमला कहा है जनाब, थैंक यू वेरी मच।